दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहा हूँ जो आप अगर नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 150 से 200 के बीच में मिलेगा। अगर आप उसको घर में ग्रो करना चाहते हैं फ्री में, तो मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिससे आप उसको घर में फ्री में ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधा जो है बहुत, इससे अच्छी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपके गार्डन में अगर ये एक पौधा भी लगा होगा तो आपके गार्डन में बहुत अच्छी खुशबू से महक जाएगा आपका गार्डन। ये देखिए, मैं इस पौधे के बारे में बता रहा हूँ। जो ये पौधा है, इसकी तकनीक ये है कि इसमें जो है इसको ग्रो करने की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये देखिए, इस पौधे में देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें हर ब्रांच से जो है कलियाँ निकल रही हैं। इस पौधों को उसी तरकीब से मैंने जो है ग्रो कर रखा, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए, पौधा जो है मोगरे का पौधा है। अगर इसको आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 150 का तो मिलेगा ही है, कहीं कहीं उससे ऊपर भी हो सकता है। तो मैं आपको उस तरकीब के बारे में बता रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरीज हैं वो लिख के बताइए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इसको जो कटिंग है ये आपको कैसे लेनी है मैं बताता हूँ आपको। कटिंग जब आप लोगे तो जो इसकी है, जैसे ये देखिए, इसकी ये हार्ड कटिंग है कहीं पर, ये सॉफ्ट कटिंग नहीं लेनी है जो नई नई आ रही थी। कहीं से आप लेंगे तो इसकी जो हार्ड कटिंग है, यहाँ पर से करीब एक दो नोट आप ले लेंगे। जैसे एक दो नोट यहाँ से हैं, एक दो नोट इस कट यहाँ से कट करके, इसी प्रकार से अगर और कटिंग लेना चाहते हैं दो चार कटिंग लीजिए, क्योंकि अगर एक कटिंग सक्सेस नहीं हुई तो दूसरी हो जाएगी। तो आप थोड़ी सी हार्ड कटिंग लीजिए, उसको नीचे से करीब 3-4 नोड होने चाहिए, वहाँ पर से इसको आप कट कट कर दीजिए और इसको पानी में डाल दीजिए। कटिंग को पानी में डालने के बाद इसमें जो चीज़ मिलानी पड़ती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह है देखिए दालचीनी। ये दालचीनी आपको कहीं भी मार्केट से मिल जाएगी। ये दालचीनी से क्या होता है, इसमें पानी में जो है फंगस नहीं लगता है, क्योंकि जो अगर पानी में अगर इसको हम डाल देंगे तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है, जिससे कि आपकी जो है कटिंग ख़राब हो सकती है। दालचीनी डालने से क्या होता है, इसमें फंगस नहीं लगता है और जो आपकी कटिंग है अच्छे से ग्रो हो जाती है, और इसमें जो है इसकी जड़ें सही से बन जाती हैं। देखिए, जैसे इसमें जो जड़ें बन गई हैं, ये नीचे से कट करा था, यहाँ से जड़ें बन गई हैं, और दूसरे वाले में देखिए, दूसरी जो कटिंग लगाई थी उसमें यहाँ से भी जड़ें बन गई हैं, और ये जो ये एरिया है इसमें से भी जड़ें आ रही हैं। देखिए, तो ये दालचीनी जो है आप डालेंगे तो इसको 7-8 दिन में इसका जो है पानी थोड़ा चेंज कर देना, और दालचीनी उसी में रहने देना, और कम से कम 1-1.5 महीने में आपकी जो कटिंग ग्रो हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको रिपोर्ट कैसे करना है, लगाना कैसे है मिट्टी में, पानी से निकाल के इसको मिट्टी में कैसे लगाना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे वीडियो में। ये देखिए, इसको ग्रो करने के लिए हमने एक छोटा सा 6 इंच का करीब पॉट लिया है, प्लास्टिक का पॉट है। 6 इंच का पॉट लेना है ये, क्योंकि अभी छोटा पौधा है तो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको छोटे पॉट में लगाते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा अगर ये ग्रोथ कर लेगा तो उसके बाद इसको हम दूसरे बड़े पॉट में लगा देंगे। तो ये हमने 6 इंच का पॉट लिया है, इसके जो होल हैं इनको सबको बंद कर देना है, कोई चीज़ लगा कर, पत्थर लगा कर या ईंट का टुकड़े लगा कर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, इसके लिए हमें पहले जो है पानी में लगा था, इसके लिए अब जब मिट्टी में लगाएंगे तो इसके लिए देखिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो आप ये गार्डन सॉइल ले लेंगे। अगर गार्डन सॉइल आपकी कोई सी भी मिट्टी है, जैसे लाल मिट्टी है या काली मिट्टी है, कोई सी भी मिट्टी ले लीजिए आप, लेकिन उसमें जो है पोषक तत्व ज़रूर होने चाहिए। पोषक तत्व के लिए इसमें जो है हम गोबर की खाद मिलाएंगे, गोबर की खाद ही सही रहती है। बाकी आप अगर आपके पास लीप कंपोस्ट है तो वो भी मिला सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट है वो भी मिला सकते हैं। मैंने गोबर की खाद रख ली है, गोबर की खाद मिलाएंगे। इसमें आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए और 30% जो है गोबर की खाद, गोबर की खाद मिला देंगे इसमें 30%। इसकी जो है सॉइल, जो है सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए जो है इसमें और राइस हस्क मिलाएंगे। राइस हस्क देखिए आप, 20% राइस हस्क मिला देंगे। राइस हस्क जो है, कई लोग पूछते हैं मेरे से प्रश्न कि राइस हस्क मिलानी ज़रूरी है, लेकिन राइस हस्क की जगह आप जो है कोकोपीट भी मिला सकते हैं।
राइस हस्क इसलिए मिलाता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सस्ती आती है, कोकोपीट थोड़ा महंगी है। राइस हस्क से जो पौधे के लिए जो मॉइस्चर चाहिए होता है मिट्टी में वो बने रहता है, इसलिए मैं राइस हस्क मिलाता हूँ। तो आप जो है 40% जो है नहीं 50% जो है गार्डन सॉइल लीजिए और 30% जो है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो है आपके पास वो लीजिए और राइस हस्क लीजिए 20%। तो आपका जो है मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर को आप इसमें थोड़ा भर दीजिए, देखिए, और जो आपकी जो कटिंग लग है उसको कैसे लगाना है देखिए। ये जो कटिंग है इसको आप इसको मिट्टी में ऐसे डाल दीजिए और ऊपर से जितना आपका मिक्सचर तैयार है इसको भर दीजिए। पौधे में जो है फंगस ना लगे उसके लिए हम जो दालचीनी है वो इसमें दोबारा से डाल देंगे, जो दालचीनी का पानी है, उससे क्या होगा पौधे में जो है फंगस नहीं लगेगा। ये पानी जो है इसमें दोबारा से इसमें डाल देंगे, दालचीनी का पानी है, इससे इसमें फंगस नहीं लगेगा। और इसको आप इससे भर दीजिए पूरा, जिससे कि ये पौधा जो है हिल ना पाए। ऐसी जगहों पर रखिए जहाँ पर कोई इसमें कोई टच ना कर सके, और हिलेगा तो इसकी जड़ें जो है टूटने का डर रहता है। इस पौधे को आप इस तरीके से लगा दीजिए। और इसमें देखिए मैं एक चीज़ आपको ख़ास चीज़ बता रहा हूँ जो इसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये आपके घर में मिल जाएगा। यह है चाय पत्ती, यूज्ड की हुई चाय पत्ती है। आप डायरेक्ट जो चाय पत्ती आती है वो मत डाल दीजिए, जो यूज की होती है उसको थोड़ा सा धो लीजिए, उसमें चीनी की मात्रा है तो चींटी लगने का डर रहता है। आप इस यूज की हुई चाय पत्ती को इसमें हल्का हल्का से ऊपर डाल दीजिए, इससे क्या होगा इसमें न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे मिट्टी में, वो पौधों की जड़ें लेकर अपना जो है विकास करेगी। देखिए इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए। और इसमें दो चार दाने देखिए आप DAP की भी डाल दीजिए। DAP जो है डायमोनियम फास्फेट होती है, इससे क्या होते हैं जड़ें जो हैं जल्दी विकास होगा जड़ों का, तो पौधा जो है एकदम स्ट्रेस में भी नहीं आएगा, ग्रोथ कर लेगा। तो आप DAP के दो चार दाने डाल के इसमें तरीके से इसमें पानी डाल दीजिए और इसको 3-4 दिन करीब, 1 हफ्ता भी रख सकते हैं आप, इसको छाया वाली जगहों में रखिए। उसके बाद इसको पूरे दिन की धूप दिखाएंगे क्योंकि ये गर्मियों का शानदार फूल देने वाला पौधा है मोगरा का। इसको आप पूरे दिन की धूप दिखाएंगे तो ये अच्छी ग्रोथ कर लेगा और आपका इसी सीज़न में इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर बढ़िया लगा है तो आगे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।